हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप ये थ्रेड्स कहाँ से लाते हो। तो देखिए, आज मैं एक नई वैरायटी थ्रेड्स की आपके लिए लेके आई हूँ और ये मैंने भी ऑनलाइन परचेज की है। तो ये आप भी चाहते हैं तो इसे परचेज कर सकते हैं। दिल्ली में कृष्णा नगर में इनकी शॉप है, रतन स्टोर के नाम से इनकी शॉप है, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर और इनकी जो डिटेल है सारी, वो सारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से इन्हें कॉन्टैक्ट करके आप इन्हें मंगवा सकते हैं इजिली। तो मैंने भी ये वहीं से मंगवाए हैं और इस थ्रेड को मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इसकी बहुत ही अच्छी फाइन क्वालिटी है। ये देखिए, ये हॉबी इंडिया के क्रोशेट थ्रेड है और ये इसके ऊपर देखिए सारी डिटेल मेंशन है। ये आपको 100 ग्राम की एक बॉल मिलती है। ये भी एक तरह का थ्रेड है, ये वूल नहीं है, ये कॉटन वाले थ्रेड होते हैं जो गर्मियों में इसकी पोशाक बनती है, ये वो वाले थ्रेड है। इसके अंदर आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, आप किसी भी कलर में आप परचेस कर सकते हैं। तो आप उनसे कॉन्टेक्ट करके अपने मनपसंद थ्रेड मंगवा सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। तो जो आपकी ये थ्रेड वाली प्रॉब्लम आ रही थी कि आपको वो दूसरे वाला कॉटन का थ्रेड नहीं मिल रहा, फिर आप कह रहे थे कि वो लच्छी वाला नहीं मिल रहा, तो आप ये वाला ले सकते हैं। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और इसके अंदर कलर भी बहुत सारे हैं। तो आप, आई होप आप लोगों की ये जो भी प्रॉब्लम थी थ्रेड से रिलेटेड, वो अब सॉर्ट आउट हो जाएगी और ये इजिली वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप जरूर एक बार चेक करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अनिशा फैमिली। कैसे हो दोस्तों आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आज हम ये ड्रेस बनाना सीखेंगे और ये बनाने में बिल्कुल ही इजी है और ये बिल्कुल, अगर आप बिगनर हैं तो भी आप अगर वीडियो को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपको ये आसानी से समझा सकूं। तो ये देखिए, ये मैंने दो कलर में बनाई है, रेड और व्हाइट, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। और इस ड्रेस की खास बात यह है कि आप इसे किसी भी साइज में इजिली बना सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने चोली और घेरा इस वीडियो में बनाना नहीं बताऊंगी मैं, इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की हुई है तो आप वहां से देख के बना ले। आज हम यहाँ बाउंड्री से स्टार्ट करेंगे जहां से मैंने ये व्हाइट कलर ऐड किया है। और इस ड्रेस को मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ घेरे के पास, ये जहां मैंने फ्रंट पोस्ट बनाया, यहाँ पे आप पेस्टिंग पर्ल्स वगैरह कुछ लगा सकते हैं, पर ये ड्रेस मुझे वैसे ही सिंपल ही बहुत अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने इसे डेकोरेट नहीं किया है। अगर आपके पास कोई और भी डेकोरेटिव मटेरियल है तो आप उससे भी डेकोरेट कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में भी मैंने आपको मेजरमेंट के लिए, मुझे क्वेश्चन आ रहे थे कि हम घेरे को कितना बड़ा बनाएं या छोटा बनाएं ड्रेस के अकॉर्डिंग, तो आज सारे सवालों के जवाब मैंने देने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि आज हम जो ड्रेस बनाएंगे उसके लिए हमें किस किस मटेरियल की जरूरत होगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, आज मैं इन थ्रेड से ड्रेस बनाऊंगी। ये मैंने दो कलर पिक किए हैं, व्हाइट और रेड, और आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये देखिए, इसके लिए हम, ये देखिए, 2.50 mm का क्रोशिया हुक यूज करेंगे और नंबर में ये 12 नंबर का क्रोशिया होता है। और इसके लिए हमें एक सीजर की जरूरत होगी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, ये देखिए, आज हम 3 नंबर की गोपालची की ड्रेस बनाएंगे, पर आप इसे किसी भी साइज में इजीली बना सकते हैं। और चोली मैंने पहले से बना ली है और घेरा बना लिया है, तो चोली की वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है और घेरे की वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूंगी, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग और कोई भी घेरा बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। और इस घेरे की वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। अब हम यहां से बाउंड्री बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने व्हाइट कलर के थ्रेड की नॉट लगा ली है और अब हम इसे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसे कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए, व्हाइट कलर हमने अटैच कर दिया। अब हम वन चैन लेंगे और फिर क्रोशिया हुक के ऊपर इस तरह से लूप लेने के बाद, जो हमारी ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसके अंदर हम डालेंगे। और ये देखिए, इसे थोड़ा लंबा रखेंगे लूप को खींच के, ये वन टाइम हो गया, फिर लूप लेके इसी के अंदर से डालेंगे और फिर इसे खींचेंगे टू, और फिर इसी के अंदर से करेंगे ये लूप लेके थ्री। ये देखिए, हमारे 3 टाइम हो गए। ये देखिए, इस तरह से क्रोशिया हुक पे लूप लिया, एक चैन को स्किप करके नेक्स्ट चैन के बैक लूप में से इस तरह से डाला। और ये देखिए, अब हम यहाँ पे सब में से एक साथ निकाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से होने के बाद फिर से हम 2 चैन लेंगे, 1 2, और फिर क्रोशिया हुक पे लूप लिया। और उसके बाद जो हमारा ये देखिए गैप है, इस गैप के अंदर से हम इस तरह से करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने लूप लंबा लिया 1, फिर लूप लेके फिर इसी होल में से डालेंगे 2, और फिर लूप लेके फिर इसी में से डालेंगे 3। इस तरह से 3 होने के बाद फिर से हम लूप लेंगे
और एक चैन को स्किप करके नेक्स्ट चैन की बैक लूप में से, ये देखिए बैक लूप में से इस तरह से डालेंगे और फिर हम इसे इस तरह से करके थोड़ा ढीला हाथ रखना है और फिर एक साथ सब में से निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। फिर से हम टू चैन लेंगे, वन टू, और फिर क्रोशिया हुक पे इस तरह से हम धागा लेंगे और जो हमारा ये लूप बना है, ये जो हमारा गैप है, इस गैप के अंदर हम डालेंगे और इस तरह से लंबा खींचेंगे। ये देखिए जो हमारी दो चैन थी उसके इक्वल हमें ये करना है। एक बार फिर धागा लिया क्रोशिया हुक पे, फिर इसमें से डाला, फिर इस तरह किया दो बार, फिर धागा लेके फिर इसमें से किया ये तीन बार, पर हमने ये क्रोशिया हुक में से निकालना नहीं है। ये देखिए सारे लूप हमने क्रोशिया हुक पे रखने हैं और फिर से धागा लिया और एक चैन को स्किप करके नेक्स्ट की जो चैन है उसके बैक लूप में से इस तरह से हम डालेंगे क्रोशिया हुक और इस तरह से हम एक बार और धागा लेकर सबको एक साथ निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। फिर से हम टू चैन लेंगे, वन टू, और क्रोशिया हुक पे धागा लेके जो ये हमारा होल है जहां हमने ज्वाइंट किया था उससे पहले जो ये होल है इसमें डाला, इसमें डाला और इस तरह से लंबा खींचा, फिर धागा लिया, फिर डाला। ये हमने थ्री टाइम करना है। तो ये देखिए हमने थ्री टाइम करना है, ये तीन बार हो गया। फिर धागा लेके एक चैन को स्किप करके नेक्स्ट चैन के बैक होल में से इस तरह से करना है और अब हमें एक साथ निकाल देना और फिर से हमने टू चैन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे मैं फिर से देखिए, यहाँ पे मैंने टू चैन ली है तो यहाँ पे जो अब हमारा ये होल है, इस होल में से क्रोशिया हुक पे लूप लिया और इस होल में से निकालते हुए मैं तीन बार निकालूंगी और फिर एक चैन को छोड़ के नेक्स्ट चैन के बैक लूप से यहाँ पे डबल क्रोशिया जिस तरह लेते हैं इस तरह से लूप लेके और सब में से एक साथ निकाल देना है और फिर दो चैन बनानी है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं ये राउंड कम्प्लीट कर लूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पे हम इसी तरह से करेंगे। ये दो चैन लूंगी मैं और इस लूप में इस तरह से हम लूप लेके थ्री टाइम क्रोशिया हुक पे ही रखेंगे और फिर लूप लेके वन चैन को स्किप करके नेक्स्ट में हम इस तरह से एक साथ निकाल देंगे। फिर से टू चैन लेंगे और फिर से इसी लूप के अंदर हम थ्री टाइम, सिर्फ हमने बनाना नहीं है, बस हमने लूप लेने हैं और क्रोशिया हुक पे रखने हैं और फिर लूप लेके एक लूप को छोड़ के नेक्स्ट के बैक चैन जो हमारी है इसमें से लेना है और इस तरह से निकाल देना है और फिर से टू चैन लेंगे और यहाँ पे हम फिर से इसी तरह से करेंगे। वन टाइम, टू, थ्री, थ्री टाइम लेने के बाद ये देखिए जो हमने स्टार्टिंग किया था, जो हमारा ये पहला डबल क्रोशिया था, जो हमारा ये पहला सिंगल क्रोशिया था यहाँ पे हमने अटैच किया था, इसके अंदर से इस तरह से हम देखिए इस तरह से क्रोशिया डालेंगे। ये देखिए ये जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया था इसके अंदर हम ये क्रोशिया को डाल के और इस तरह से लूप निकालेंगे और फिर हम एक साथ इस तरह से कर देंगे। फिर हम वन टू, टू चैन बनाएंगे और अब हमने यहाँ पे देखिए ये जो बनाने के बाद यहाँ पे टू चैन बनाई थी इसकी, ये देखिए जो हमारी फर्स्ट चैन है ना इसके अंदर हमने क्रोशिया को डालना है और इसे स्लिप स्टिच कर देना है। तो ये देखिए ये हमारा इस तरह से ज्वाइंट हो जाएगा। यहाँ देखिए मैंने नॉट लगा ली है, अब हम थ्रेड को कट कर देंगे। और इस थ्रेड को हम पीछे एडजस्ट कर देंगे, इस तरह से हमारी ये बाउंड्री बन गई। अब हम फिर से यहाँ पे रेड कलर स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए अब हम यहाँ पे रेड कलर से वर्क करेंगे। तो यहाँ पे मैंने रेड कलर के थ्रेड की नॉट लगा ली है और यहाँ पे हमारा वर्क फिनिश हुआ था। तो ये देखिए जो हमारा ये हमने चैन बनाई थी तो यहाँ पे हमने इस तरह से ये लूप मिलेंगे तो इस लूप के अंदर से हमने अपना वर्क स्टार्ट करना है। ये हमने यहाँ पे ये देखिए ज्वाइंट कर लिया, ये मैंने वन चैन बना ली तो ये हमारी वन चैन पहला सिंगल क्रोशिया काउंट होगी। अब इसी के अंदर क्रोशिया को डाल के हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे वन टू थ्री, थ्री सिंगल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट लूप में भी हम इसी तरह से करेंगे, तीन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे ये एक लूप में तीन सिंगल क्रोशिया। फिर जो नेक्स्ट लूप है इसके अंदर भी हम इसी तरह से करेंगे, वन टू थ्री। तो ये देखिए तीन सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट जो हमारा लूप है इसके अंदर भी हम तीन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री। तो ये देखिए फ्रेंड्स हर एक लूप में मैं तीन तीन सिंगल क्रोशिया बना लूंगी।
और अगर आपका ये जो थ्रेड है ये पतला है और यहाँ पे खिंचा खिंचा लग रहा है तो यहाँ पे आप चार चार भी बना सकते हैं। और अगर आपका ये इस तरह से सिलवटे आ रही हैं, कर्व आ रहा है, तो आप यहाँ पे कम भी कर सकते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कि आपको किस तरह से करना है। अगर किसी का थ्रेड पतला होता है या फिर हाथ बिल्कुल टाइट होता है तो ये खिंचा खिंचा सा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने तीन सिंगल क्रोशिया किए हैं, तो आप यहाँ पे चार भी कर सकते हैं या फिर एक में तीन, एक लूप में चार, इस तरह से भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे हर एक लूप में इस तरह से तीन तीन सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी हर एक लूप में। तो इसी तरह से मैं ये राउंड कम्प्लीट कर लूंगा। फ्रेंड्स, ये देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पे देखिए मैंने हर एक लूप में तीन तीन सिंगल क्रोशिया बनाते हुए राउंड यहाँ पे कम्प्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट जो लूप है इसमें भी तीन बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3। अब यहाँ पे भी जो नेक्स्ट चैन है इसमें भी हम तीन बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 2, 3। अब हमारे राउंड यहाँ पे कम्प्लीट हो गया। तो जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया था जस्ट इसके ऊपर वाली जो चैन है, ये देखिए जस्ट इसके ऊपर वाली चैन जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर थी, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए ये राउंड हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम यहाँ पे तीन चैन बनाएंगे। 1, 2, 3। ये हमारा पहला डबल क्रोशिया काउंट होगी। अब जो हमारी नेक्स्ट चैन है, ये देखिए नेक्स्ट चैन के पीछे वाले लूप से हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। फिर जो नेक्स्ट चैन के जो बैक वाला लूप है यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए हमें चैन के दो लूप हमें दिख रहे हैं, पर हमने दोनों में से नहीं बनाना। जो पीछे वाला जो हिस्सा है चैन का, ये देखिए पीछे वाला एक लूप है, इसमें से क्रोशिया हुक को डाल के और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए हर एक चैन के अंदर एक बार डबल क्रोशिया बनाना है और वो भी बैक लूप से चैन लेते हुए। ये देखिए इस तरह से हर एक चैन में बैक लूप से लेते हुए हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। लेकिन अगर आपका ये घेरा खिंचा खिंचा लग रहा है तो आप कहीं कहीं दो डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं एक ही चैन में, जिससे आपका घेरा है ये खिंचा खिंचा नहीं रहेगा। तो ये देखिए इस तरह से मैं हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लूंगी। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं ये राउंड कम्प्लीट कर लूंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पे मैं फिर ये जो चैन बची हुई है इनके अंदर मैं बैक लूप से लेते हुए यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लूंगा। ये देखिए हर एक चैन के हमने बैक लूप में से डबल क्रोशिया बनाना है हर एक चैन में 1 टाइम। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वर्क हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम 1, 2, 3 थर्ड चैन में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए ये हर एक चैन में मैंने 1-1 टाइम डबल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए नेक्स्ट राउंड के लिए अब हम 1 चैन लेंगे और इसी चैन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इससे हम 1 काउंट करेंगे। फिर जो हमारी नेक्स्ट चैन है इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 2, फिर नेक्स्ट में 1 टाइम 3, नेक्स्ट में 1 टाइम 4 और नेक्स्ट में 1 टाइम 5। तो ये देखिए हर एक चैन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाया मैंने और ये 5 हो गए। अब हम 2 चैन लेंगे 1, 2 और ये देखिए 2 चैन लेने के बाद अब हम 2 चैन स्किप करेंगे 1, 2 और थर्ड चैन में हम बैक लूप से ही काम करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 2 चैन स्किप करने के बाद थर्ड चैन की जो ये पीछे वाली चैन है यहाँ पर हम फिर से 1 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में भी 1, फिर नेक्स्ट में 1, यानी हर एक चैन में एक एक बार बनाते हुए हम 5 बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये देखिए 5 सिंगल क्रोशिया मैंने बना लिए। फिर मैं 2 चैन लूंगी, ये 2 चैन ली हमने और यहाँ पे 2 चैन स्किप करेंगे 1, 2 और थर्ड चैन के जो बैक लूप है यहाँ पे हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1, फिर नेक्स्ट में फिर से 1, 2, नेक्स्ट में फिर से 1 टाइम 3, 4, 5। ये देखिए 5 सिंगल क्रोशिया बना लिए मैंने हर एक चैन में एक एक बार। और फिर हम 2 चैन लेंगे,
और दो चैन स्किप करेंगे, ये वन टू, और थर्ड चैन की बैक लूप में क्रोशिया हुक को डाल के और यहाँ पर हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे मैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने वन टाइम सिंगल क्रोशिया बनाया। यहाँ पे हर एक चैन में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैं पांच सिंगल क्रोशिया बना लूंगी, फिर दो चैन बनाऊंगी और नीचे ये जो दो चैन है इन्हें स्किप करके थर्ड चैन में मैं फिर से सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, वो भी बैक लूप से लेते हुए। ये देखिए चैन हमें दिख रही है, ये देखिए ये चैन हमें दिख रही है, ये इसका फ्रंट लूप है, ये इसका बैक लूप है। तो हमने यहाँ बैक लूप में से इस तरह से क्रोशिया को डालना है। तो इसी तरह से ये राउंड मैं कंप्लीट कर लूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पे हम एक, मैंने एक चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पांच सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना लिए हैं। अब यहाँ पे वन टू, यहाँ पे मैं दो चैन ले लूंगी और ये दो चैन स्किप करके थर्ड चैन में मैं यहाँ पे बैक लूप से सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी एक चैन में एक बार। तो इस तरह से करते हुए हमें पांच सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं, थ्री फोर फाइव। ये देखिए यहाँ पे फिर हमारी अब ये दो चैन स्किप हो जाएंगी। तो यहाँ पे वन टू, दो चैन ली हमने और जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया था ये देखिए यहाँ पे इसकी जो ऊपर चैन है इस चैन में हम यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए स्लिप स्टिच करके मैंने इसे कनेक्ट कर दिया और इस थ्रेड का वर्क हमारा फिनिश हो गया। तो मैं इसे यहाँ नॉट लगा के कट कर दूंगी और यहाँ हम व्हाइट कलर फिर से ऐड करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये राउंड हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से फिर से व्हाइट कलर ऐड करेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए व्हाइट कलर के थ्रेड की मैंने नॉट लगा ली है और अब हमारा वर्क यहाँ पे फिनिश हुआ था। तो अब हम यहाँ पे अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ जो लूप हमने दो चैन ली थी इस होल के अंदर हमने यहाँ पे ये व्हाइट कलर ऐड करना है। तो ये देखिए सिंगल क्रोशिया से मैंने ये कलर ऐड कर लिया। अब यहाँ पे वन टू, टू चैन बनाएंगे। फ्रेंड्स ये देखिए ये सिंगल क्रोशिया और दो चैन, इसे हम वन डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। इस लूप के अंदर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे सिक्स डबल क्रोशिया और बनाने हैं, तो सिक्स डबल क्रोशिया हो जाएंगे। और ये जो हमने चैन बनाई थी ये हमारा एक डबल क्रोशिया गिना हमने, तो सारे टोटल मिला के हमारे पास सेवन डबल क्रोशिया हो जाएंगे, सात डबल क्रोशिया। तो ये देखिए इस तरह से हमने इस लूप में यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और एक और बनाएंगे सेवन। तो ये देखिए इस लूप के अंदर हमने सेवन डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम दो चैन लेंगे वन टू, और फिर जो नेक्स्ट हमने पांच सिंगल क्रोशिया के बाद जो हमने लूप लिया था, ये देखिए ये लूप है, ये हमारे, ये देखिए ये हमने पांच सिंगल क्रोशिया बनाए थे और उसके बाद फिर हमने दो चैन ली थी। ये जो चैन है इसके अंदर से अब हम क्रोशिया हुक को डालते हुए इस लूप में भी हम सेवन टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। ये देखिए इस लूप में हमने सेवन डबल क्रोशिया बना लिए। फिर अब हम दो चैन लेंगे और फिर जो नेक्स्ट हमने दो चैन बनाई थी, ये देखिए पांच सिंगल क्रोशिया के बाद जो ये दो चैन बनाई थी, इस तरह का हमें ये लूप दिख रहा है। इस लूप के अंदर अब हमने फिर से यहाँ पर सेवन टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे मैं इस लूप में फिर से सेवन टाइम डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर दो चैन लूंगी और फिर जो हमारी नेक्स्ट, देखिए जो लूप दिख रहा हमने यहाँ पे दो चैन बनाई थी पांच सिंगल क्रोशिया के बाद, तो जो ये दो चैन बनाई थी, ये जो हमारा छेद है यहाँ पे, ये जो लूप है, इसके अंदर हम सेवन टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से दो चैन लेके फिर नेक्स्ट में सेवन टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से करते हुए मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने इस जो ये हमारा होल है इसमें सेवन डबल क्रोशिया और टू चैन, इस तरह से करते हुए मैं यहाँ तक आ गई हूँ। अब यहाँ पे मैं फिर से दो चैन लूंगी और जो हमारा ये होल है नेक्स्ट, इसमें मैं सेवन टाइम डबल क्रोशिया बनाऊंगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सात बार डबल क्रोशिया बना लिया। अब मैं यहाँ पे फिर से दो चैन लूंगी
और यहाँ पे अपने राउंड को ज्वाइन करूंगी। तो ये देखिए हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, फिर दो चैन बनाई थी, तो ये वन टू जो हमारी सेकंड चैन है, ये देखिए सेकंड चैन में इस तरह से स्लिप स्टिच से इसे हम कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए सेकंड चैन में मैंने स्लिप स्टिच से राउंड को कनेक्ट कर दिया है, तो ये राउंड हमारे यहाँ पे कम्प्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे इस थ्रेड को नॉट लगा के कट कर दूंगी, इसका वर्क हमारा फिनिश हो गया। अब हमारा लास्ट राउंड बाकी है, वो हम रेड कलर से करेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने रेड कलर के थ्रेड की नॉट लगा ली है। अब हमने जो यहाँ पे सेवन डबल क्रोशिया बनाए थे, जस्ट इसके ये देखिए ये जो पहला डबल क्रोशिया है इसके पीछे वाली चैन में बैक लूप में हम यहाँ पे इस तरह से अपने राउंड को ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लिया, यहाँ पे हम दो चैन बनाएंगे, तो ये हम इसे पहला डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारी चैन है इसके अंदर बैक लूप से हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये दो हो गए। फिर नेक्स्ट में भी हम बैक लूप से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये तीन हो गए। और जो अब ये चौथा हमारा जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर वाली चैन में हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन, और इसी चैन में हम फिर से बनाएंगे टू। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सात डबल क्रोशिया बनाए थे, तो तीन डबल क्रोशिया हमने इस तरह से एक एक बार बनाएंगे, फिर तीन इधर एक एक बार बनाएंगे, और जो सेंटर की चैन है उसमें हम दो बार बनाएंगे। तो फिर देखिए नेक्स्ट में हम फिर से एक बार बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में भी हम एक बार बनाएंगे, और ये ध्यान रखेंगे कि जो हम क्रोशिया हुक डालेंगे वो बैक लूप से डालेंगे, चैन की जो पीछे वाला लूप है उसमें से। तो ये देखिए अब हमारे सात हो गए, पहले डबल क्रोशिया के ऊपर भी वन टाइम, नेक्स्ट में वन टाइम, नेक्स्ट में वन टाइम, तो ये तीन हमारे एक एक बार हो गए, और चौथी चैन में हमने दो बार बनाया, फिर तीन हमने एक एक बार बनाए। अब यहाँ पे इस तरह से करने के बाद हम क्रोशिया हुक पे इस तरह से लूप लेंगे, और ये देखिए जो हमने नीचे ये फाइव सिंगल क्रोशिया बनाए थे, अब इस तरह से यहाँ पे जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है उसकी चैन में हम इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे, और ये देखिए इस तरह से हम इसे लंबा खींचेंगे, और फिर इससे इस तरह से एक बार निकालने के बाद बाकी के लूप क्रोशिया हुक पे रखेंगे, फिर इस तरह से लूप लेंगे, नेक्स्ट चैन में डालेंगे, और इसे हम इसी तरह से लंबा खींचेंगे, और फिर एक बार निकालेंगे, ये हमारे दो हो गए, फिर लूप लेंगे, फिर इसी तरह से नेक्स्ट चैन में डालेंगे और इसे लंबा करके खींच के और यहाँ पे एक बार निकालेंगे, और बाकी के हम क्रोशिया हुक पे ही रखेंगे लूप, और ये लूप फिर से लिया, फिर से खींचा और फिर से निकाला। तो ये देखिए वन टू थ्री फोर और ये नेक्स्ट फाइव, तो यहाँ पे हमने इस तरह से फाइव टाइम करना है। ये देखिए अब हमारे क्रोशिया हुक के ऊपर हमारे पास अब सिक्स लूप है, अब हम इनके अंदर से एक साथ क्रोशिया निकाल के और यहाँ पे वन चैन से कनेक्ट कर देंगे। अब फिर से हम इसी तरह से करेंगे, जो हमारे ये सेवन डबल क्रोशिया थे जस्ट इनके पीछे वाली चैन में इस तरह से, ये डबल क्रोशिया के ऊपर चैन है, बैक लूप में हम वन टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में भी हम जो डबल क्रोशिया है उसके जो ऊपर चैन है उस बैक लूप में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए दो, फिर नेक्स्ट में भी वन थ्री, और जो ये फोर्थ चैन है इसमें हम दो बार बनाएंगे, ये देखिए वन टू। तो ये सेवन हमने बनाए थे, तीन में एक एक बार, फिर तीन में एक बार, और फोर्थ चैन जो सेंटर की है इसमें हम दो बार बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में भी हम यहाँ पे वन टाइम बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में भी हम यहाँ पे वन टाइम बनाएंगे, और नेक्स्ट में भी हम यहाँ पे वन टाइम बनाएंगे। तो ये देखिए सेवन के ऊपर एट हो गए, तीन एक बार, तीन एक बार, और सेंटर में दो बार। तो यहाँ पे इस तरह से करने के बाद हम क्रोशिया हुक पे लूप लेंगे, और जो हमने नीचे यहाँ पे फाइव सिंगल क्रोशिया बनाए थे इसके अंदर से वर्क करना है, और ये जो हमारी व्हाइट चैन है इसको इस तरह से लेंगे, ये हमारी पीछे की तरफ रहेगी, और ये देखिए जो पहला सिंगल क्रोशिया है इसके अंदर से क्रोशिया हुक को डाला और लूप को लंबा खींचेंगे, और इस तरह से एक बार निकालेंगे, ये हमें दो बार नहीं निकालना है, पूरा नहीं बनाना है। फिर लूप लिया, नेक्स्ट चैन में डाला, लूप लिया और एक बार निकाला, फिर लूप लिया, फिर नेक्स्ट चैन में डाला, फिर लंबा खींचा और एक बार निकालना है, फिर लूप लिया, फिर नेक्स्ट में इसी तरह से करना है, नेक्स्ट चैन में हमने डाला, लंबा खींचा और लूप लेके एक बार निकाला, फिर नेक्स्ट इसी तरह से करना है। यानी ये फाइव सिंगल क्रोशिया थे तो फाइव चैन हमें इनके ऊपर मिलेंगे, तो ये फाइव चैन के अंदर हमने हर बार इसी तरह से करना है। तो ये हमारे वन टू थ्री फोर फाइव, तो देखिए क्रोशिया हुक पे हमारे पास सिक्स लूप हैं। अब इनमें से हम एक साथ निकाल देंगे और वन चैन बना लेंगे, तो ये देखिए इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। ये जो सेवन डबल क्रोशिया थे इनके ऊपर हमने
ये देखिए ये पहला डबल क्रोशिया, इसके ऊपर वाली चैन में हमने वन टाइम बना लिया डबल क्रोशिया। और याद रखना है सारा वर्क हम पीछे वाली जो चैन का बैक लूप है, पीछे वाली चैन है वहां से करेंगे। तो ये एक के ऊपर एक हो गया, फिर नेक्स्ट में भी एक के ऊपर एक हो गया दो, और फिर नेक्स्ट में भी एक के ऊपर एक तीन, और जो फोर्थ वाली चैन है इसमें हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू। और फिर नेक्स्ट जो हमारी तीन चैन बच गई इन सब में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए नेक्स्ट में भी हम एक बार बनाएंगे, और इसका हर जो पूरा वर्क है हमने ये बैक लूप से करना है। तो ये देखिए इस तरह से हो गए, तीन के ऊपर हमने एक एक बार बनाया, फिर चौथी में दो बार, फिर ये तीन हमने एक एक बार बनाया। अब इसी तरह से करते हुए हम यहाँ पे फिर से लूप लेंगे। मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ, ये जो व्हाइट वाली चैन है इसे हम पीछे रखेंगे, और ये जो हमने नीचे सिंगल क्रोशिया बनाए थे इसे इस तरह से पकड़ लेंगे। अब जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है उसके ऊपर वाली चैन में हम इस तरह क्रोशिया को डालेंगे, और लूप को लंबा खींचना है, ये याद रखें। अगर आप इसे छोटा कर देंगे तो डिजाइन खराब हो जाएगा। तो इसे हमने लंबा खींचा और एक बार निकाला, फिर नेक्स्ट चैन में डाला और इसे लंबा खींच के एक बार निकाला, फिर लूप लिया, फिर नेक्स्ट चैन में डाला, फिर लंबा खींच के फिर एक बार निकाला, और फिर लूप लिया, फिर नेक्स्ट चैन में हमने एक बार डाला, और फिर ये इस तरह से लंबा खींचा। और ये आप देखें यहाँ नीचे मैंने पांच बनाए थे, तो यहाँ पे पांच बनने चाहिए, ये वन टू थ्री फोर, यानी अभी एक और बाकी है, देखिए फिफ्थ वाला। तो इसके ऊपर हम एक बार फिर से डालेंगे क्रोशिया हुक और लूप लेंगे और इस तरह से एक बार निकालेंगे। तो ये क्रोशिया हुक पे हमारे पास छह लूप है, छह में से एक साथ निकाल देंगे और एक चैन बना देंगे। फिर इसी तरह से करेंगे, जो ये व्हाइट हमने डबल क्रोशिया बनाए थे इनके ऊपर हमने फिर से इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाया। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे मैं फिर से इसी तरह से करूंगी, तीन डबल क्रोशिया के ऊपर तीन डबल क्रोशिया बना लूंगी बैक चैन से, चौथे में मैं दो बार बनाऊंगी, और जो बाकी की तीन बच जाएंगी फिफ्थ सिक्स और सेवन इसमें भी मैं वन वन टाइम बना लूंगी। और फिर जो हमारे क्रोशिया हुक पे हम लूप लेंगे, और जो हमने नीचे ये फाइव सिंगल क्रोशिया बनाए थे जस्ट इसमें से लूप लेने के बाद निकालेंगे, और इसे लंबा खींच के डबल क्रोशिया में हम दो बार लूप निकालते हैं, बस हमें एक बार निकालना है, डबल क्रोशिया कंप्लीट नहीं बनाना है। और इस तरह से करते हुए हम पांचों सिंगल क्रोशिया के ऊपर से निकाल लेंगे, फिर हमारे क्रोशिया हुक पे सिक्स लूप हो जाएंगे, सिक्स में से हम एक साथ एक लूप निकाल के और एक चैन बना के इस तरह से हम कनेक्ट कर देंगे। और फिर इसी तरह से सेवन के ऊपर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। यहाँ पे हमने ये देखिए फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया, फिर नेक्स्ट चैन में भी हम वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में भी हम वन टाइम बनाएंगे। ये देखिए अब ये थ्री डबल क्रोशिया हो गए, फोर्थ चैन में हम टू टाइम बनाएंगे, वन टू। ये देखिए और जो ये नेक्स्ट हमारी थ्री चैन बच गई इनमें हम वन वन टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमने सेवन डबल क्रोशिया के ऊपर एट डबल क्रोशिया बना लिए, थ्री इधर और सेंटर में टू। अब फिर से हम लूप लेंगे और यहाँ हमने जो ये फाइव सिंगल क्रोशिया बनाए थे अब इनमें वर्क करेंगे। तो ये फर्स्ट हमारे सिंगल क्रोशिया के ऊपर वाली चैन में हमने क्रोशिया हुक को डाला और यहाँ से लूप निकाल के और इसे लंबा खींचना है, और यहाँ पे हमने वन टाइम निकालना है। फिर हम नेक्स्ट में इसी तरह से करेंगे, इस तरह से डालेंगे, फिर लूप लेंगे और निकालेंगे वन टाइम। तो इस तरह से हमने यहाँ पे फाइव सिंगल क्रोशिया बनाए थे, तो ये वर्क हम फाइव टाइम करेंगे। ये देखिए यहाँ पे अब हमारे पास क्रोशिया हुक में सिक्स हमारे पास लूप हैं, तो अब इनमें हम एक लूप लेके एक बार में ही निकाल देंगे और वन चैन बना लेंगे। तो इस तरह से ये कनेक्ट हो जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे हम अपने वर्क को ज्वाइंट करेंगे, ये राउंड हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमने ये देखिए सिंगल क्रोशिया बनाया था और फिर टू चैन बनाई थी, तो हमने ये पहला डबल क्रोशिया काउंट किया था। तो ये जो हमारी सेकंड चैन है इस चैन के अंदर, सेकंड चैन के अंदर हम इस तरह से स्लिप स्टिच से इसे कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए राउंड हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और अब मैं यहाँ पे इसे नॉट लगा के इस थ्रेड को कट कर दूंगा। ये देखिए फ्रेंड्स
ये ड्रेस हमारी कंप्लीट हो गई है और ये जो थ्रेड है हम इन्हें अच्छी तरह से पीछे एडजस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारी ड्रेस का फाइनल लुक है। और इस ड्रेस की खास बात ये है कि इसे भी आप मेरी हर ड्रेस की तरह किसी भी साइज में बना सकते हैं। अगर आप छोटे गोपाल जी की ड्रेस बना रहे हैं तो पहले आप जितने नंबर के गोपाल जी की ड्रेस बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप चोली बना लें। और फिर जो हमारा ये घेरा है, तो यहाँ पे हमने ये 3 नंबर के गोपाल जी की ड्रेस बनाई है, तो इसमें हमने घेरे के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे हमने 7 राउंड बनाए हैं। अगर आप छोटे गोपाल जी की बना रहे हैं, 2 नंबर के गोपाल जी की बना रहे हैं, तो आप 2 राउंड कम कर लें। फिर 1 की बना रहे हैं तो और 2 राउंड कम कर लें। तो इस तरह से कर लें। अगर आप बड़े गोपाल जी की बना रहे हैं तो घेरे के जो ये राउंड है ये आप हर नंबर के हिसाब से 2-2 राउंड इंक्रीज कर दें। और यहाँ से व्हाइट कलर मैंने ऐड किया है तो यहाँ से एज इट इज आप बना लें, जिस भी साइज में आप बना रहे हैं ये बाहर की बाउंड्री एज इट इज बनेगी। तो इस तरह से आप इसे किसी भी साइज में बना सकते हैं। अब ये 3 नंबर की गोपाल जी की ड्रेस है, मेरे पास कमेंट आते हैं कि साइज का हमें पता नहीं चलता, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मेजरमेंट, अगर आपके 0 नंबर के गोपाल जी हैं तो जो हमारे घेरे का डायमीटर है ये हमारा 6 इंच होना चाहिए। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए, जो ये हमारा डायमीटर होता है पूरी ड्रेस को यहाँ से यहाँ तक नापते, इसे डायमीटर कहते हैं। तो जो अगर 0 नंबर के गोपाल जी की ड्रेस बनाते हैं तो एटलीस्ट 6 इंच का डायमीटर होना चाहिए, ये ड्रेस आपकी 0 नंबर में तैयार हो जाएगी। फिर जिस जिस तरह से नंबर इंक्रीज होते जाएंगे तो उसमें आप 1-1 इंच ऐड करते जाएं। तो आप 1 नंबर के गोपाल जी के लिए 7 इंच, 2 नंबर के लिए 8 इंच, 3 नंबर के लिए 9 इंच। तो ये देखिए, ये हमारी ड्रेस का डायमीटर यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा, ये देखिए 9 इंच तैयार है। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कि आपको इस तरह से आपको आइडिया आ जाएगा कि जितने बड़े गोपाल जी हैं उसी के अकॉर्डिंग आप इस 1-1 इंच 1-1 नंबर के हिसाब से आप इंक्रीज करते जाएं। इस तरह से आप देख लें कि आप कितनी बड़ी ड्रेस बनाना चाहते हैं। और अगर ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, किसी को घेरा ज्यादा बड़ा पसंद आता है या फिर किसी को छोटा, तो अगर आपको छोटा पसंद आता है तो अपने अकॉर्डिंग 1-2 राउंड कम कर ले घेरे में से। और अगर आपको एज इट इज इसी साइज में बनानी है तो इसके अकॉर्डिंग आप, इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप ड्रेस बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो इस तरह से अब आपको मेजरमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो ये व्हाइट कलर का पोर्शन है ये एज इट इज आप किसी भी नंबर में बना सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। लेकिन अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी या कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन उसे जरूर हिट करें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।